भोले डोंगरी महाकालेश्वर मंदिर पर आज सुबह से ही भक्तों का आना प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और सोमवार को शिवालय में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। वहीं आज अपनी मनोकामना लेकर भोले डोंगरी मनकामनेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही आना जाना रहा एवं सब ने भगवान शिव से मनोकामना मांगी और इस कोरोना महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना भी भगवान से की गई। वहीं हम आपको बता दें कि मनकामनेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहीं मंदिर के पास में एक पीर बाबा की दरगाह है। इस दरगाह पर सभी धर्म के लोग माथा टेकने आते हैं और यहां पर पीर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर धन सिंह जाट पूर्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि पहले एक छोटा सा शिवलिंग था, लेकिन हम सब ने प्रयास किया और आज एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया एवं श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की यहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहां दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं एवं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं धन सिंह जाट ने बताया कि यहां पर इंदौर के श्रद्धालुओं की भगवान ने मनोकामनाएं पूरी की। जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने यहां पर मां दुर्गे का मंदिर निर्माण करवाया एवं इसी तरह एक व्यापारी ने राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं मंदिर के पुजारी द्वारा बताया गया कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसी के देखते हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और भगवान शिव का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज जो मनकामनेश्वर मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में यहाँ बहुत पुराना प्राचीन शिवालय का एक कोटला था, यहाँ पर लोग दर्शन करने आते थे। जो आज वर्तमान शिवगुरु इनके पूज्य पिताजी जो स्वर्गीय हो गए हैं, वो उस होटले पे बैठे रहते थे और यहाँ जो पीर बाबा है यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी। तो हमारे तेज सिंह जी राजपूत और मैं हम आए, हमने विचार करा कि यार ये अपने शिव जी हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं अपन भी एक यहाँ चबूतरा बनवा दें। तो हम उसी तारतम में पहुँचाने गए, वहाँ हमारा लोगों ने उत्साहवर्धन किया और उन्होंने कहा कि चबूतरा नहीं, आप तो एक छोटा सा मंदिर ही बना दें। और ईश्वर की भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही कि सब लोग उसमें सहयोग करते रहे और आज भव्य मंदिर बन गया। यहाँ दुर्गा जी का जो है वो इंदौर के व्यापारियों ने मूर्ति दी, ऐसे ही राधा कृष्ण की भी इंदौर वाले ने मूर्ति दी और पूरी पब्लिक का इसमें सहयोग है, सभी राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें सहयोग है और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और प्रसन्न होके और दर्शन करके और मनोकामना उनकी पूरी होती है, इसी तरह सब यहाँ आते हैं। यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, कब कब होता है? यहाँ मेले का आयोजन शिवरात्रि पर भी होता है और गुरु पूर्णिमा पे भी होता है। कैनन न्यूज़ के लिए सुजालपुर से अशोक मीणा की रिपोर्ट।